परप्रांतीय मजूरों ने પોતાના વતન જવા માટે સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેને લઈને અમદાવાદ શહેરમાંથી મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતીઓ કલેક્ટર કચેરીએ ઉમટી પડ્યા હતા। આ ઉપરાંત વાડજ સ્થિત સરકારી ચાવડી મામલતદાર કચેરીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા। સરકારે મંજૂરી આપી છે, પરંતુ આ કચેરીમાં બાબતે કોઈ જ માર્ગદર્શન ન મળતા લોકોમાં નિરાશા સાથે રોષની લાગણી જોવા મળી હતી। સવારથી જ અહી પોતાના વતન જવા માટેની માહિતી લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી ગયા હતા। જોકે અહી કોઈ જ માહિતી કે માર્ગદર્શન મળ્યા ન હતા। આ માટેના ફોર્મની પણ અનેક લોકો પૂછતા કરતા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ આ બંને સ્થળે આવી કોઈ વ્યવસ્થા જોવા મળી ન હતી। સર્વ નામાને પરિચય भाई, हम सर LTP हैं। यहाँ ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जिला ग्वालियर लगता है। तीन चार दिन से परेशान है, फ़ोन करते हैं, MP से नंबर आया, व्हाट्सअप नंबर आया है, उस पर फ़ोन करते हैं तो वहाँ से बोलते हैं सर कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वहाँ अपन अपना जो भी प्रशासन हो वहाँ नज़दीक संपर्क करें। यहाँ भी तीन चार दिन से परेशान है, कहीं भी जाते हैं पुलिस स्टेशन किसी से भी जानकारी लेते हैं वो बोलते हैं, कहीं बोलते हैं पुलिस स्टेशन चले जाओ, कहीं बोलते हैं यहाँ चले जाओ, तो यहाँ आते हैं तो बोलते हैं ऑनलाइन करो, यहाँ से कोई जानकारी नहीं है। सर हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, तो इंग्लिश में ऑनलाइन करें, हिंदी में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चार पांच दिन से छः सात लोग हैं, हम परिवार हैं, तीन चार दिन से परेशान है, ऐसे ना खाने को मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत पड़ रही है। जैसे गाँव से भी कोई ऐसा परेशानी ऐसा नहीं है कि वो हमारा वहाँ से संपर्क करके हमको यहाँ से निकाल सके। मेरा नाम है सर बृजेंद्र पुरोहित। कहाँ से आए हो? हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से। क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ पे मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। अच्छा, यहाँ पे जो कल बोला गया है सरकार ने आपको अपने वतन वापस भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है आपको? यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा। किस तरीके से वो लोग भेजेंगे हमारे लिए। कहीं पे मैं जाता हूँ मामलतदार कचहरी जाके आया, अभी वहाँ पर भी उनने कोई हेल्प नहीं की। फिर बाद में सोलह पुलिस स्टेशन जाके आया, वहाँ पर भी कोई हेल्प नहीं की गई। कुछ बताते ही नहीं है कि किस तरीके से जाएँ। मैं तो चलो ठीक है, मोबाइल पे अपनी एक बार कुछ डाउनलोड कर लूँगा। जो दूसरे मजदूर हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, वो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे? कुछ लोगों के लिए तो फॉर्म भरना भी नहीं आता है सब, तो वो किस तरीके से जाएंगे अपने गाँव? इन्होंने जो नंबर दिया है उस पर कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर, कोई फोन उठाने के लिए। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जो आपके फ़ोन वगैरह फोन लगा से उत्तर प्रदेश से कुछ नंबर मिले थे, वो फ़ोन करते हैं तो वो भी कोई फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, और किसी भी नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं सर।